ગુજરાતમાં એક તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા ન્યાય યાત્રા યોજવામાં આવી છે, ત્યારે આજે સુરતના પ્રવાસે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબે આવ્યા છે, જેમણે કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓ અને ખાસ કરીને વડાપ્રધાન પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. દેશની અર્થવ્યવસ્થાથી લઈને સામાજિક રીતે થઈ રહેલી હેરાનગતિ અંગે વાતચીત કરતા કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્તોને બચાવવા માટે હવા ત્યાં મારી રહ્યા છે. સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબેએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્ત અદાણીને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. એરપોર્ટ, બંદરો તેમજ અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં અદાણીને બચાવવા માટે ભારતીય તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. સીબીઆઈએ 6 જૂન 2017 રોજ એનડીટીવીના કાર્યાલય તેમજ સ્થાપક પ્રણય રોયના ઘર પર છાપો માર્યો હતો. તેના પરિણામ રૂપે અદાણી જૂથ આજે એનડીટીવીમાં 64.71% માલિક છે. 11 ડિસેમ્બર 2020 છે, સીબીઆઈ દ્વારા અંબુજા સિમેન્ટ અને ઓફિસ ઉપર છાપો માર્યો હતો. પરિણામ રૂપે આજે અંબાણીએ અંબુજા સિમેન્ટને અધિગ્રહણ કરીને બીજી સૌથી મોટી કંપની બનાવી દીધી છે. દુબેએ સરકાર પર પ્રહારો કરતા કહ્યું કે સરકારી બેંકો તેમજ સંસ્થાઓને અદાણીના શેર ખરીદી દેખાડવામાં આવી રહ્યા છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની જરૂરતો માટે ભારતની વિદેશ તેમજ તેમના હિતને અધીન કરવામાં આવી છે. ઇઝરાયેલની સાથે ભારતના રણનીતિ સંબંધોને અદાણી કંપનીને સોંપવામાં આવ્યા છે. વિત્ત મંત્રાલય દ્વારા આપત્તિ આપવામાં આવી હોવા છતાં પણ 6 એરપોર્ટ અદાણીને સમૂહને સોંપવામાં આવ્યા છે. લોકો કે બીચ આકર મેં અભિભૂત હું. સાથીઓ, આપ યાદ કીજીએ 2014 મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીને એક કેમ્પેન લોન્ચ કિયા થા, हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं. 10 वर्षों तक इस बात का हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छे दिन आखिर आने किसके वाले हैं, ये नारा किसके लिए दिया गया था. तो अब पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो खास मित्र A1 और A2 अडानी और अंबानी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये स्लोगन उनके लिए दिया गया था. देश के युवाओं के तो बेरोजगारी भरे दिन आए हैं, महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए हैं, किसानों के लहू लुहान कर देने वाले दिन आए हैं, और इस देश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए, MSME के लिए बर्बादी भरे दिन आए हैं. मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन सिर्फ इस मोदी सरकार में आए. और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट से इन बातों का खुलासा होता है. चाहे NSSO की रिपोर्ट देख लीजिए तो वो कहते हैं किसानों की आमदनी 27 रुपये रह गई. चाहे आप अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट की जो 2024 में रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए तो वो कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश में तबाही की कगार पर पहुँच गया है. कांग्रेस के शासनकाल से और बीते 10 वर्षों का अंतर यह है कि 1.60 करोड़ रोजगार उसमें कम हो गए हैं, 60 लाख स्टेब्लिशमेंट परमानेंट बंद हो गए हैं. और उसका मुख्य कारण वो बताते हैं कि नोटबंदी से, वो बताते हैं कि गलत तरीके से GST लगाने से, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन से बेतहाशा इम्पोर्ट करने से हिंदुस्तान की ये बैकबोन को मोदी सरकार ने तोड़कर रख दिया. मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करवाऊं और बताऊं कि देश के RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी एक महत्वपूर्ण बात की. उन्होंने कहा था कि इस देश की ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि यहां कुछ 4-5 बड़े लोगों की मोनोपोली स्थापित की जा रही है. ये बात राहुल गांधी जी लंबे समय से कह रहे हैं. आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन भी किया है और खुलासा भी किया कि कैसे अडानी जी को अनैतिक तरीके से मोदी सरकार ने न सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उनके व्यापार को अनैतिक तरीके से, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, बढ़ावा भी दिया. ये सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है. कांग्रेस पार्टी जो JPC की मांग कर रही है वो इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के इतर जो अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाया गया है अडानी जी को, उसके लिए भी है. मैं आपके सम्मुख 6 प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ.
आप याद कीजिए कैसे एक के बाद एक सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कई कंपनियों पर, कई मीडिया संस्थानों पर रेड किया और उस रेड के बाद वो संस्थानों में अडानी जी ने अपना स्टेक, सबसे बड़ा स्टेक स्थापित कर लिया। एनडीटीवी पर प्रणय रॉय के घर पर, उनके टेलीविज़न चैनल पर छापा मारा, क्योंकि वो निष्पक्षता से सरकार की समालोचना कर रहा था, सरकार जो गलत निर्णय ले रही थी वो बता रहे थे। तो अब उसमें 67% शेयर अडानी जी का उस टेलीविज़न चैनल में है। क्विंट करके एक संस्थान था, उस पर आईटी की रेड हुई, उसमें स्टेक अडानी जी ने खरीद लिया। जीवी के एक कंपनी थी जिसने एयरपोर्ट मुंबई का लिया, वहाँ छापा मारा गया, उस जीवी के का जो स्टेक था वो अडानी जी ने ले लिया। उसके बाद अडानी जी ने एक के बाद एक नेल्लोर का जो पोर्ट था उस पे छापा मारा, वो अडानी जी के पास चला गया। हाल ही में आपको याद होगा तो इंडियन सीमेंट्स, जिसको बिरला समूह ने लिया है, और अडानी जी भी कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन वो बिरला समूह के पास चला गया तो सीबीआई ने हिंडाल्को के खिलाफ, जो उस संस्थान, उस ग्रुप के पास है, उस पर एक एफआईआर दर्ज कर। ये बात पहले भी सामने आई है कि किस प्रकार चंदा लो धंधा दो का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने काम किया, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी दूसरी तरह की है कि किस तरह से एक विशेष समूह को फायदा पहुंचाना है। फिर आपको याद हो तो एक अडानी समूह एक एफपीओ लेकर आया था, उस एफपीओ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट कराया गया, और वो इन्वेस्टमेंट जब कराया गया कि जब ये पता था कि उनका जो इशू प्राइस है उससे कम मार्केट प्राइस हो गई, तब भी 30 करोड़ लोगों के पैसे को दाव पर लगाकर अपने दोस्त को लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप मोदी सरकार पर लगा। रिपोर्ट, एलके स्टार न्यूज़, सूरत।